हेलो एवरीवन आई एम तृप्ति यू आर वाचिंग एनपीसी वेलकम टू दिस चैनल वेर कैन लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स सो बच्चा चैप्टर सेकेंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम आज के वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द सिग्निफिकेंट फिगर्स लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने यूनिट एंड फिजिकल क्वांटिटीज एंड एरर एनालिसिस के बारे में डिस्कस किया था आई होप आपको वो वीडियो लेक्चर्स पसंद आए होंगे एंड आज के वीडियो लेक्चर में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में स्टडी करेंगे ओके आई होप आपको ये टॉपिक भी इस लेक्चर में क्लियर हो जाएगा सो बेसिकली चैप्टर सेकेंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट एक्चुअली ये डिफाइन करता है आप लैब में जो प्रैक्टिकल करते हैं मेजरमेंट लेते हैं ठीक है क्या आपका जो मेज़रमेंट है आपने जो प्रैक्टिकल किया है लैब में वो जैसे एरर एनालिसिस हमने स्टडी किया था तो प्रैक्टिकल में जो मेजर्ड वैल्यू रहती है उसमें कुछ ना कुछ ट्रू वैल्यू से तो डिफरेंस होता ही है तो हमने एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सब सीखा ओके okay, अब यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में स्टडी करेंगे सो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमेशा मेजर्ड वैल्यू की दी जाती है ठीक है ये याद रखना जो प्योर वैल्यू है या प्योर नंबर है उसके इंफाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं क्लियर है अब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं हम बार बार ये वर्ड यूज कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर तो एक्चुअली में ये होता क्या है ये समझते हैं ओके सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द नंबर्स ऑफ डिजिट्स इन द वैल्यू ऑफ एन मेजरमेंट दैट कंट्रीब्यूट द वैल्यू ऑफ द नंबर ओके इससे आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा मुझे पता है देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑल द नंबर्स ठीक है सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं वे सभी नंबर्स जो किसी मेजरमेंट में इंक्लूड होते हैं ठीक है और मेजरमेंट में जो इंक्लूड डिजिट्स हैं नंबर्स हैं वो रिलायबल होने चाहिए ठीक है मींस उनका एक्जिस्टेंस होना चाहिए वो सर्टेन वैल्यू को फाइंड करना चाहिए डिफाइन करना चाहिए ठीक है सिग्निफिकेंट फिगर में आपका अनसर्टेन वैल्यू भी वन डिजिट प्लस होता है ठीक है देखिए एग्जांपल्स समझते हैं और डेफिनेशन सिग्निफिकेंट फिगर की ये है सिग्निफिकेंट फिगर आर द नंबर्स दैट इंक्लूड्स ऑल द डिजिट्स इन द नंबर दैट आर नॉट रिलायबल प्लस द फर्स्ट डिजिट दैट इज़ अनसर्टेन ओके मीस एग्जाम्पल के लिए आप लैब में गए और सिंपल पेंडुलम से आपने कुछ दस ऑसिलेशन करवाए और उनका टाइम पीरियड नोट किया ठीक है तो टाइम पीरियड आपने फाइंड किया है वन पॉइंट सिक्स टू सेकेंड ठीक है टाइम पीरियड क्या फाइंड किया आपने एवरेज ले लिया मेजर वैल्यूज ले ली तीन चार और उसका फिर एवरेज ले लिया तो आपके पास फाइनल जो वैल्यू आई है वन पॉइंट सिक्स टू सेकेंड अब इस नंबर में एक्चुअली में तीनों वैल्यूज वन सिक्स एंड टू तीनों वैल्यूज क्या सर्टेन है फिक्स है रिलायबल है क्वेश्चन अराइज होता है क्वेश्चन है आपके लिए क्या तीनों वैल्यूज सर्टेन है ओके okay, तो आपने जनरल कॉन्सेप्ट राउंड ऑफ का जनरल कॉन्सेप्ट तो स्टडी किया है कि अगर कोई वैल्यू डेसिमल पॉइंट के बाद फाइव से ग्रेटर है तो उसके पहले वाला डिजिट एक् प्लस हो जाता है ठीक है मीन्स ये जो वैल्यू टू है या डिजिट टू है ये अनसर्टेन है इस फिगर में ठीक है टू क्या है अनसर्टेन बट वन एंड सिक्स ये सर्टेन वैल्यू है ठीक है ये रिलायबल है इनकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते बट टू उसके नेक्स्ट डिजिट पर डिपेंड करेगा ठीक है टू के बाद में कौन सा डिजिट आता है उस पर डिपेंड करेगा टू की वैल्यू ठीक है इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ टू क्या है अनसर्टन वैल्यू अगर टू के बाद यहाँ सिक्स है और सिक्स कैसा है फाइव से ग्रेटर है तो टू जो है वो रेस्ड प्लस वन हो जाता है ठीक है प्लस वन हो जाता है मीन्स थ्री हो जाएगा वन पॉइंट सिक्स थ्री हो जाएगा और फाइव से लोएस्ट वैल्यू है अगर यहाँ पर टू वन पॉइंट सिक्स टू थ्री है तो क्या होगा तो डिजिट्स चेंज नहीं होगी ठीक है एज इट इज वन पॉइंट सिक्स टू वैल्यू रहेगी तो टू यहां अनसर्टेन वैल्यू है अनसर्टेन डिजिट है वेर एज वन एंड सिक्स आर द सर्टेन वैल्यू बट हियर द सिग्निफिकेंट फिगर सिग्निफिकेंट फिगर्स में सर्टेन वैल्यू रिलायबल वैल्यू तो इंक्लूड होती ही है बट उसके साथ में एक अनसर्टेन वैल्यू भी ऐड की जा सकती है ठीक okay, है थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे ओके यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं या सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं इस पूरे डिजिट में थ्री ओके क्लियर है आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स नाउ प्रॉब्लम ये अराइज हुई कि आप किसी भी डिजिट में सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे कैसे आप पता करेंगे कि इस फिगर में या इस कन्फिग्रेशन में इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो उस क्वेश्चन के लिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं ठीक है वो रूल्स हम वन बाय वन स्टडी करेंगे और सभी रूल्स को फॉलो करके आप किसी भी फिगर में फाइंड आउट कर सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू को ओके सो रूल नंबर फर्स्ट ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, सभी नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होती हैं। ओके जैसे यहाँ वन फोर टू कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? थ्री ठीक है थ्री सिग्निफिकेंट फिगर हियर फोर टू फाइव ओके ऑल्सो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ कितने हुए फाइव सिग्निफिकेंट फिगर ठीक है ये सभी नॉन जीरो है ठीक है तो इन सभी को चाहे वो डेसीमल पॉइंट के पहले हो या डेसीमल पॉइंट के बाद हो सभी इंक्लूड होगी नॉन जीरो डिजिट सभी इंक्लूड होगी सिग्निफिकेंट फिगर में क्लियर है नाउ सेकेंड रूल ऑल द जीरोज बिट्वीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेस्टिवल पॉइंट इज इट एट ऑल ओके मीन्स जो जीरो है ठीक है नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में जीरो है जैसे यहाँ फोर और फाइव नॉन ज़ीरो डिजिट है और उनके बीच में जीरो है तो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा ठीक है सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट होगा तो यहाँ वन टू थ्री फोर कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए या कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हुए फोर ओके, हियर सिक्स सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ओके एंड हियर फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स अब यहां अगर मैंने ऐसे लिख दिया है वन हंड्रेड पॉइंट जीरो टू थ्री अब यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? सो नॉन जीरो डेसिमल पॉइंट है या नहीं इससे कोई मतलब नहीं है नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो है तो वो इंक्लूड होगा सिग्निफिकेंट फिगर में तो यहां भी आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए सिक्स क्लियर सेकेंड पॉइंट नाउ थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट द जीरोज ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट एंड दीरोज ऑन द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट इसका सिंपल मीनिंग है कि डेसिमल के बाद ठीक है डेसिमल के इनिशियल में जो ज़ीरोज़ हैं उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे जैसे इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं डेसिमल पॉइंट के पहले भी ज़ीरो है और जस्ट बाद भी ज़ीरो है ठीक है अगर यहाँ कोई नॉन ज़ीरो डिजिट होता तो फिर ज़ीरो इंक्लूड होता ठीक है जैसे ये थ्री और एट के बीच में जीरो है तो ये जीरो इंक्लूड होगा बट डेसिमल पॉइंट के जस्ट बाद में अगर जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है ओके सो हियर इज फोर सिग्निफिकेंट फिगर ठीक है कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए हैं फोर नेक्स्ट पॉइंट ओके सो पॉइंट नंबर फोर द टर्मिनल ट्रेलिंग जीरोज इन अ नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट ओके मीन्स डेसिमल पॉइंट की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं एंडिंग में अगर ज़ीरोज हैं सिंपली डिज़िट अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल में देख सकते हैं वन टू थ्री हियर देर आर थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स ओके एंड यहाँ पर वन टू थ्री एंड ज़ीरो ज़ीरो जो डिज़िट हैं इनके बाद में हमने ज़ीरो अप्लाई किया है इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है ये जो टू ज़ीरोज़ हमने लगाए हैं ये काउंट नहीं होंगे सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ थ्री ही होगा ठीक है अगर डेसिमल पॉइंट के बाद में ज़ीरो आता तो ये काउंट होते बट यहाँ डेसिमल पॉइंट नहीं है ठीक है डेसिमल पॉइंट नहीं है इसीलिए लिए यहाँ ये जो ज़ीरोज़ हैं ये काउंट नहीं होंगे एंड अगेन दिस वन इज द थ्री सिग्निफिकेंट फिगर ओके यहाँ पर भी थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे एंड हियर आल्सो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स आई होप पॉइंट नंबर फोर आपको क्लियर हुआ है ठीक है डेसिमल पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं इसमें सिंपली अगर नॉन जीरो डिजिट के बाद जीरो हो ठीक है तो वो काउंट नहीं होंगी पॉइंट नंबर फाइव द ट्रैलिंग जीरोस मीन्स जो एंडिंग में जीरोस होते हैं उनको बोलते हैं ट्रेलिंग जीरो द ट्रेलिंग जीरोस इन अ पर विथ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट ओके इन दोनों पॉइंट में यही डिफरेंस है यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर में डेसिमल पॉइंट नहीं है एंड यहाँ है डेसिमल पॉइंट है डेसिमल पॉइंट के बाद में अगर ज़ीरोज़ हैं तो वो काउंट होंगी हियर द सिग्निफिकेंट फिगर विल बी वन टू थ्री फोर ओके यहाँ फोर सिग्निफिकेंट फिगर होंगे एंड इस एग्जाम्पल में अभी आपने इसके पहले वाले पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि डेसिमल पॉइंट के जस्ट पहले और जस्ट बाद में अगर ज़ीरो हो ठीक है नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच की नहीं सिंपली अगर जस्ट बाद और पहले ज़ीरो हैं तो वो काउंट नहीं होगी मिनस ये जो दोनों ज़ीरो से ये काउंट नहीं होंगी बट आफ्टर नॉन ज़ीरो डिजिट ठीक है नाइन के बाद में टू जीरो तो ये काउंट होंगी ओके सो वन टू थ्री फोर हियर यू कैन से फोर सिग्निफिकेंट डिजिट ओके क्लियर है ना पॉइंट नंबर सिक्स चेंज ऑफ यूनिट केन नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर अगर आप यूनिट चेंज कर रहे हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू रिमेन्स कॉन्स्टेंट रहेगी सेम रहेगी चेंज नहीं होंगी ठीक है यूनिट चेंज करने के साथ में सिग्निफिकेंट फिगर की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती वो तो उतनी ही रहती है जितना पहले फिगर में होगा ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल हमने फोर पॉइंट सेवन जीरो ज़ीरो मीटर लिया ठीक है ये कोई वैल्यू ली एग्जांपल के लिए यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे सो वन टू थ्री फोर फोर सिग्निफिकेंट फिगर होंगे ठीक है एंड यर यहाँ पर कितने होंगे सो so, पॉइंट के बाद में पॉइंट के बाद में जीरो इंक्लूड करेंगे ठीक है क्योंकि नॉन जीरो डिजिट के बीच में सो वन टू थ्री फोर यहाँ पर भी फोर सिग्निफिकेंट फिगर ओके एंड हीयर बट यहाँ पर टू ओनली टू सिग्निफिकेंट फिगर होंगे ठीक है यहाँ हमने मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है फिर सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट किया है बट यहाँ डेसिमल पॉइंट नहीं है और इन ज़ीरो का एक कोई एग्जिस्टेंस नहीं है मीन्स सिग्निफिकेंट फिगर में ये काउंट नहीं की जाती है ठीक है एग्जिस्टेंस तो है एक्चुअल में एग्जिस्टेंस है बट सिग्निफिकेंट फिगर के वैसेज पर माने तो एग्जिस्टेंस नहीं है मीन्स यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए टू ठीक है टू सिग्निफिकेंट फिगर और यहाँ पर होंगे वन टू थ्री फोर यहाँ फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स तो आप देख सकते हो इसमें कि चेंज यूनिट चेंज करने पर ये जो पॉइंट है यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज हुआ तो हम इस प्रॉब्लम को रिजोल्व कैसे करें यह जो आपके पास प्रॉब्लम अराइज हुआ इसको रिजोल्व कैसे करें तो इसको रिजोल्व करने के लिए पॉइंट नंबर सेवन देखें ओके पॉइंट नंबर सेवन में टू रिमूव दिस प्रॉब्लम द बेस्ट वे इज टू रिपोर्ट एवरी मेजरमेंट इन साइंटिफिक नोटेशन आर द ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड ठीक है मीन्स टेन की पावर में लिखना है आपको कोई भी यूनिट चेंज करनी है तो यूनिट चेंज करने के लिए आप टेन की पावर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का यूज करें टेन की पावर में आप कुछ भी लिखें तो उसमें सिग्निफिकेंट वैल्यू या सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होते हैं ठीक है इसका कोई मतलब नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर्स में ये काउंट नहीं होते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड या फिर एक्सपोनेंट ऑफ टेन टू दी पावर ओके तो यहाँ पर हम सिंपली फोर पॉइंट सेवन जीरो जीरो मीटर को चेंज कर सकते हैं सेंटीमीटर मिलीमीटर एंड किलोमीटर में कैसे तो फर्स्ट फिगर आपको गिवन है ठीक है फोर पॉइंट सेवन जीरो जीरो मीटर आपको गिवन है इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हंड्रेड से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई तो इन टू हंड्रेड कर दें ठीक है या टेन की पावर टू सेंटीमीटर तो इसका तो एक, मतलब कि सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगी तो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर यही रहेगा अगेन मिलीमीटर में काउंट करना है या मिलीमीटर में चेंज करना है तो टेन की पावर थ्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है सो so, टेन पावर माइनस थ्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम इजीली आपकी सॉल्व हो सकती है एंड एवरी यूनिट सभी यूनिट्स में देखिए आप सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं सेम है ओके क्लियर है ओके okay, okay, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके बेसिस पर आप किसी भी डिजिट या किसी भी फिगर में सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट कर सकते हैं ठीक है वहाँ इजीली आप इन रूल्स को फॉलो करके बता सकते हैं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे ओके अब हम थोड़े नियम और पढ़ते हैं जो कि ऑपरेशंस होते हैं एडिशन होता है सब्ट्रैक्शन अगर आपके पास टू वैल्यूज़ गिवन है ठीक है टू और मोर देन टू वैल्यूज़ गिवन है और उन दोनों को आपने ऐड किया है ओके तो वहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे ठीक है और कौन सी वैल्यू को आपको एक्सेप्ट करना है वो सभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं ओके रूल्स फॉर एरेथमेटिक ऑपरेशंस विथ सिग्निफिकेंट फिगर सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ एरेथमेटिक ऑपरेशन जैसे प्लस करना ठीक है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविजन ये कैसे करते हैं आइए देखते हैं ठीक है तो इस रूल को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं एग्जाम्पल है आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और उसका मास गिवन है फोर पॉइंट टू थ्री सेवन ग्राम ओके एंड वॉल्यूम गिवन है टू पॉइंट फाइव वन सेंटीमीटर क्यूब ओके सो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या हो जाएगी डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम ओके सो मास की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे वॉल्यूम की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा इसे कैलकुलेट करने पे 1.6 पॉइंट सिक्स एट ऐट जीरो फोर सेवन एट ज़ीरो टू इलेवन डिजिट ओके एक प्रॉब्लम हो गई आप, आपने क्या किया डिवाइड किया यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन यूज हुआ डिवीजन का ओके okay. अब यहाँ प्रॉब्लम ये अराइज हुई कि आपके पास डेसिमल पॉइंट के बाद इतनी सारी डिजिट्स हैं आप कैसे डिफाइन करोगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितने हैं ठीक है कैसे काउंट करना है या फिर एक पॉइंट के बाद एक नंबर के बाद कुछ वैल्यू को स्टॉप कर सकते हैं यस yes, कर सकते हैं इसे राउंड ऑफ करके ठीक है राउंड ऑफ़ के भी टू थ्री रूल्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँगी अभी क्या करना है आपको वन पॉइंट सिक्स एट एट है सो so, अगर फाइव से अभी यहाँ पर एक और चीज़ है कि आपको ये जो टू इलेवन डिजिट तक जा रहा है मीनस ये ये वाला जो पार्ट है इलेवन डिजिट तक जा रहा है आपको कितने डिजिट तक लें आपको कितने डिजिट तक ये लेना है तो वो वैल्यू को आपको इन दोनों वैल्यूज़ में देखना पड़ेगा ठीक है जो डेसिमल पॉइंट के बाद लिस्ट वैल्यू है ठीक है यह लिस्ट नंबर है उसके बेसिस पर ही आपका आंसर डिफाइन होगा ठीक है जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं मास में फोर पॉइंट डेसिमल के बाद थ्री डिजिट है बट यहां डेसिमल के बाद टू डिजिट है तो लिस्ट डिजिट टू डिजिट है सो तो आपका आंसर भी डेसिमल के बाद में टू डिजिट होगा ओके क्लियर सो तो टू डिजिट करने के लिए क्या होगा वन पॉइंट सिक्स एट एट है तो फाइव से ग्रेटर है तो आप इसे नाइन कर सकते हैं प्लस वन कर सकते हैं तो ये हुआ टू डिजिट डेसिमल के बाद टू डिजिट ओके सो सिंपली आप बोल सकते हैं इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट वन पॉइंट सिक्स नाइन है ये आपका फाइनल रिजल्ट है द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज आर देयर इन ओरिजिनल नंबर विद द लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर ठीक है वो किसके साथ जाएगा लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर एंड हियर द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज द वॉल्यूम ओके टू पॉइंट फाइव वन सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ थ्री है और यहां पर कितना है यस फोर सिग्निफिकेंट फिगर है तो आपका जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है थ्री उसी के साथ आपका आंसर होगा जाएगा ठीक है वन पॉइंट सिक्स नाइन क्लियर और इसमें भी आप यही एग्जाम्पल ले सकते हैं ठीक है आप यही एग्जाम्पल ले सकते हैं तो आपका आंसर होगा वन पॉइंट सिक्स नाइन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ओके अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करें ठीक है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी सेम यही प्रोसेस होगा ठीक है यही प्रोसेस होगा आपको लीस्ट डेसिमल प्लस पॉइंट फाइंड करना है आपको वैल्यू जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो लिस्ट डेसिमल प्लेसेस पे डिपेंड होगा ओके जैसे कि आपके पास ये फिगर्स हैं ठीक है और इनका एडिशन कर दिया अब एडिशन में एडिशन में जो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर या लिस्ट डेसिमल प्लेस है ठीक है ये यहाँ पर डेसीमल के बाद में टू डिजिट है यहाँ वन डिजिट है और यहाँ थ्री डिजिट है तो लिस्ट क्या होगा ये पॉइंट के बाद ओनली वन डिजिट तो इससे आप आपका जो फाइनल आंसर होगा सिक्स सिक्स थ्री पॉइंट एट ग्राम ओके सिंपली आपने ऐड किया टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री एंड फाइव पॉइंट वन को ऐड करना है आपको तो ऐड कैसे करेंगे इस तरह से ऐड कर देंगे आप ठीक है फोर एंड सेवन पॉइंट फोर ज़ीरो थ्री बट आपका जो आंसर है ये करेक्ट नहीं होगा करेक्ट कब होगा जब आप इन दोनों के कंपैरिजन से फाइनल रिजल्ट को फाइंड करेंगे ओके okay. डेसिमल के बाद यहाँ लिस्ट डिजिट है वन ओनली वन यहाँ थ्री है सो so, आप इसे लेकर चलेंगे तो आपका फाइनल आंसर होगा वन सॉरी सेवन पॉइंट फोर ओके क्लियर एज इट इज सेप्टशन में भी यही रूल फॉलो होगा अब हम देखते हैं राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट ओके राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट ओके सपोज आपने एक्सपेरिमेंट किया है और मेजर्ड वैल्यू काफ़ी ज़्यादा आई है ठीक है डेसिमल पॉइंट के बाद अस अनसर्टन वैल्यूज काफ़ी ज़्यादा है आप उसे अप्रोक्सीमेट करना चाहते हैं तो ये जो अनसर्टन वैल्यू का जो रिपीटेशन है इससे आप राउंड ऑफ कर सकते हैं मतलब एक स्टॉप लगा सकते हैं ठीक है अब वो केस है वो देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं आपके पास एक वैल्यू है सपोज सेवन पॉइंट थ्री फोर एट ओके ये जो वैल्यूज़ है इनमें आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं फोर ठीक है वन टू थ्री फोर सभी नॉन जीरो है मीन्स फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं अब आपको इस वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर आपको इस वैल्यू में थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है ठीक है मीन्स ये फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपको एक वैल्यू को कट ऑफ करना है ठीक है तो राउंड ऑफ करके आप इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं कैसे तो देखो ये जो एट है एट फाइव से ग्रेटर है अगर लास्ट की जो डिजिट है वो ग्रेटर देन फाइव हो ठीक है फाइव से बड़ी हो तो क्या होता है उसके जस्ट पहले वाला डिजिट प्लस वन हो जाता है मीन्स यहाँ आपकी वैल्यू होगी थ्री पॉइंट सॉरी सेवन पॉइंट थ्री फाइव ओके क्योंकि एट इज ग्रेटर देन फाइव ओके फाइव से ग्रेटर है तो प्लस वन ओके जस्ट पहले वाले डिजिट को प्लस वन करना है बट इसी एग्जाम्पल में अगर आप इस तरह से ले सेवन पॉइंट थ्री फोर टू ओके यहाँ फाइव से लेस है ठीक है टू फाइव से लेस है तो राउंड ऑफ करके थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं आप इसे सो थ्री सेवन पॉइंट थ्री फोर ठीक है अगर फाइव से लेस हो तो डिजिट एज इट इज लिख जाती है एंड जो लास्ट वाला डिजिट है उसे आप छोड़ सकते हैं ठीक है सो सेवन पॉइंट थ्री फोर इज़ योर आंसर बट एक और कैसा हो सकता है एक और सिचुएशन हो सकती है अगर आपके पास इस तरह से डिजिट हो सेवन पॉइंट थ्री फोर फाइव ओके यहाँ फाइव से ग्रेटर थी यहाँ लेस थी बट अगर फाइव ही आ जाए तो आप क्या करेंगे तो आपको इवन एंड ओड नंबर देखना पड़ेगा फाइव के पहले इवन एंड ओड नंबर देखना पड़ेगा जैसे यहाँ आपका इवन डिज़िट है ओके okay, यहाँ पर कौन सा डिजिट है इवन फाइव के पहले सो इवन डिजिट अगर होता है तो वैल्यू सेम रहती है और फाइव को आप रिमूव कर सकते हैं मीन्स आपका आंसर होगा सेवन पॉइंट थ्री फोर बट अगर आपके पास यही क्वेश्चन इस तरह से हो सेवन पॉइंट थ्री थ्री फाइव इस तरह से हो तो क्या होगा फाइव के पहले वाला डिजिट क्या है ऑड है ओके एंड ऑड अगर हो फाइव के पहले डिजिट ऑड हो तो क्या होता है नंबर प्लस वन होगा ओके नंबर प्लस वन हो जाता है मींस आपका आंसर है सेवन पॉइंट थ्री फोर सेवन पॉइंट थ्री फोर इज़ योर आंसर तो इस तरह से आप राउंड ऑफ करके सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ को कम कर सकते हैं ठीक है सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फार्मूले की बात करेंगे टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग थैंक यू सो मच